आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, पितृ दोष एक ऐसा दोष जिसके विषय में बहुत से लोगों के मन में शंका रहती है कि कहीं उन्हें पितृ दोष तो नहीं। इसके अलावा बहुत से अनेक ऐसे स्रोत या माध्यम भी रहते हैं जो हमारे मन में ये वहम डाल देते हैं कि आपको पितृ दोष है, आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं अपने जीवन में, आप किसी ज्योतिषी, किसी पंडित जी या अन्य कोई व्यक्ति जिससे आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, आप उसके पास जाते हैं और जाते ही वो आपको कहता है कि आपके पितृदोष है। तो मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। कई बार मनुष्य ये सोचने पर भी विवश होता है कि आखिर मेरे पितृदोष क्यों हुआ। मित्रों, आज हम इसी विषय में बहुत सी शंकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पितृदोष दो प्रकार से हो सकता है। एक तो वो कि जो जन्म से ही हमें प्राप्त हुआ, दूसरा वो कि जो हमारे किसी गलती के कारण उत्पन्न हो गया है। पहले हम जन्म से उत्पन्न हुए पितृदोष, उसके बाद अपने कर्मों से उत्पन्न हुए पितृदोष, और फिर ज्योतिष के अनुसार हुए पितृदोष, और फिर यदि किसी की जन्म कुंडली ना हो तो वो कैसे जाने कि पितृदोष क्या उनके है या नहीं है। इन सभी विषयों पर स्पष्ट चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले पितृदोष वो जो हमें जन्म से प्राप्त होता है। जन्म से प्राप्त होने वाला पितृदोष क्या है? सामान्य तौर पर हिंदू धर्म में ये चीज़ देखने में आती है कि किसी के परिवार में कोई उनका पूर्वज वो चाचा, ताऊ या दादा हो सकता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, या जिसके कोई संतान ना हो या पुत्र ना हो, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से की जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि होती है वो बाकी के भाइयों में बट जाती है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार यदि एक से ज़्यादा भाई हैं, वो दो हो, चार हो या पांच हो, यदि किसी एक के भी पुत्र होता है तो सभी भाइयों का वो पुत्र कहलाता है, उसे सभी का श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करने का अधिकार भी है और दायित्व भी है। लेकिन आजकल होता ये है कि एक भाई या दो भाई जिनके संतान नहीं थी, या जो बालकपन में या किसी अकाल मृत्यु के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो दूसरे भाई के बच्चे जो कि उनके हिस्से का हक खा तो रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके निमित्त अपना अधिकार, अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभा पाते हैं, यानी कि उनका श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये भी है कि आजकल सनातन धर्म में ही हमारे यहाँ गुरु बहुत हो गए हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की मूल परंपराओं को त्याग कर नए मत मतांतर चला लिए हैं, और वो तो बड़े स्पष्ट कहते हैं अपने शिष्यों को कि आप अपने पितरों का कोई कर्म ही ना करें, आपने मुझे गुरु बना लिया है, या आप देवताओं की पूजा भी ना करें, और फिर लोग उनके अनुयायी ऐसा ही करने लगते हैं। इस प्रकार वो अपने ही पितरों को रुष्ट कर देते हैं। यह वो कारण है जो हम जानबूझ के करते हैं। अब जन्म से पैदा होने वाले पितृदोषों और अपने कर्म दोषों के कारण उत्पन्न हुआ पितृदोष, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। यदि ज्योतिष के अनुसार बात करें तो दसवां भाव पिता का स्थान माना जाता है। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव,
सातवें भाव, नौवें भाव और दसवें भाव में सूर्य कहीं बैठा हुआ हो, सूर्य की राहु के साथ युति या सूर्य की केतु के साथ युति हो, और यदि विशेषकर तुला राशि में सूर्य की राहु या शनि के साथ युति हो तो पितृ दोष बहुत प्रबल हो जाता है। ये हमें जन्म से प्राप्त होने वाला पितृ दोष, मैं फिर से दोहराऊंगा, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव और दसवां भाव, इनमें कहीं भी सूर्य बैठा हो, सूर्य के साथ राहु हो या सूर्य के साथ शनि हो तो जन्म से होने वाला पितृदोष जन्म कुंडली में निर्माण हो जाता है। इसके अलावा यदि तुला राशि में सूर्य राहु या शनि के साथ बैठा हो तो बहुत प्रबल पितृदोष इसे माना जाता है। इसके अलावा कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, राहु या केतु इनकी उस पर सप्तम पूर्ण दृष्टि हो या पांचवी या नौवीं दृष्टि हो तो भी कम रूप से ही सही पितृदोष ज्योतिष के अनुसार माना जाता है। अब जो लोग जिनके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है, जन्म का समय नहीं है, वो लोग कैसे जाने कि उनको पितृदोष है या नहीं है? तो मित्रों, आज मैं कुछ ऐसे लक्षण बताता हूँ जिनसे आप समझ पाएंगे कि इन लक्षणों में से कुछ लक्षण या सारे लक्षण ही हैं तो निश्चित तौर पर आपको पितृदोष हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के या ऐसे परिवार में एक तो कलह रहती है, पति पत्नी का मेल नहीं मिलता, दोनों एक दूसरे के विचारों से असहमत रहते हैं, बच्चे कहाँ नहीं मानते, विशेषकर अपनी संतानों अपने बच्चों की शादियों में बहुत कष्ट आते हैं, रिश्ते हो नहीं पाते, होकर बातें रुक जाती हैं या आगे वंश ही नहीं बढ़ता। इसके अलावा विशेष मौकों में श्राद्ध आदि में या अमावस्या के दिन या उसके आसपास आपके घर में कलह, विवाद या नुकसान अधिक होने लगते हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि आपके पितृदोष हो सकता है। आपको किसी काम में सफलता न मिलती हो, कई बार ऐसा अनुभव होता हो कि जैसे घर में पैसे रखे थे और बाद में वो गिने तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पैसे घट गए हों अपने आप, ये भी पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। हर समय विशेषकर आपके घर में महिलाओं का, आपकी धर्मपत्नी का, आपकी माता का शरीर टूटते रहना, उठकर काम करने का मन न करना, आँख बंद करके लेटे रहना, होली दिवाली आदि त्योहारों पर घर में क्लेश होना, ये सब भी पितृदोष के ही लक्षण माने जाते हैं। अब मित्रों, हमने कई प्रकार से जाना ज्योतिष के अनुसार भी, जन्मपत्री ना हो तो उसके अनुसार भी, जन्म से भी और हमारी गलतियों से भी होने वाला पितृदोष। अब हम इस विषय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कि हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि या अमावस्या को उनके लिए भोजन आदि निकालते भी हैं, नहीं भी निकालते हैं, उसके बाद भी हमें पितृदोष क्यों रहता है? मित्रों, आत्मा का भोजन गायत्री है। आप यह स्थूल रूप से मोटे तौर पर बात को समझें, एक मनुष्य की मृत्यु के बाद जब उसका देह नहीं रहता और वह आत्मा रूप में कहीं पर भी स्थित हो, हमने उनके श्राद्ध पर किसी ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाया और वो भोजन करके चले गए, तो प्रश्न है कि उनका खाया हुआ भोजन या उस ब्राह्मण को दिया हुआ वस्त्र हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को कैसे मिलेगा?
यदि वैदिक पद्धति पे आए तो इसका उत्तर बड़ा सरल सा है कि वो ब्राह्मण जो आपके घर में आपके पितृ के निमित्त भोजन करके गया है और उनके निमित्त आपके द्वारा प्रदत्त दिए गए वस्त्रों को लेकर गया है, उनका दायित्व है कि वो 5000 गायत्री का जाप करें। इस प्रकार से वो गायत्री आपके पितरों को प्राप्त होगी और उन्हें गति शांति मिलेगी। लेकिन ब्राह्मण देवता तो एक ही दिन में 5-5, 10-10 घरों में श्राद्ध खाते हैं, श्राद्ध का अन्न खाते हैं, और गायत्री वो एक माला भी नहीं कभी फिरते। तो आपके पितरों को वो अन्न वो वस्त्र कैसे मिला जो आपने उनके निमित्त दिया है? यह भी एक बड़े संकट कष्ट की बात। जब पितृदोष अधिक बढ़ जाता है तो हम सब देखते हैं कि ब्राह्मण यही कहते हैं या जो ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आप 1,25,000 पितृ गायत्री करा लें, पितरों की शांति के लिए गायत्री करा लें। वो जो बताते हैं उसका कारण यही है कि पितरों के निमित्त या जो पितर अशांत हैं उनकी आवश्यकता है गायत्री, ताकि उनकी भी भूत शुद्धि, उनके भी अपने पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं या जिस योनि में वो उसको भुगत रहे हैं वहाँ उनको वो गायत्री का पुण्य मिले और वो उस पाप से निवृत्त होकर अपना आत्मा आगे का सफर जारी कर सके। गायत्री भी मित्रों इसमें भेद है, इसे ब्रह्म गायत्री कहा जाता है जो 3 व्याहृति ओम भूर भुवः स्वः से शुरू होती है। यह इसलिए की जाती है कि इससे आत्मा का कल्याण हो, ब्रह्म गायत्री है, अपना भी कल्याण हो और पितरों के निमित्त कराया जाए तो पितरों का भी कल्याण हो। इसको करने के बाद दूसरी बात ये आती है कि यदि पितर शांत हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य हैं तो उनकी कृपा हमें कैसे मिले? तो उसके लिए ब्रह्म गायत्री से अलग पितृ गायत्री होती है। अब पितृ गायत्री कहने को तो पुस्तकों में आम लिखी रहती है, हर ब्राह्मण को उसका ज्ञान है, लेकिन इसका महत्व क्या है ये मैं छोटी सी घटना से आपको बताऊंगा। मैं स्वयं वेदों का आचार्य भी हूँ, 3 साल मैंने वेद की शिक्षा अपने गुरु से प्राप्त की। मैं 2 बस बदलकर उनके पास वेद पढ़ने जाता था और फिर 3 किलोमीटर उतर कर बस से पैदल के घर पहुंचता था और फिर 3 किलोमीटर वापस आना और फिर 2 बस बदल कर अपने घर पहुंचना। एक बार जब मैं उनके घर बैठा हुआ था, उनके पुत्र और मैं दोनों ही थे, मैंने कहा गुरुजी मुझे पितृ गायत्री की शिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 बार पितृ गायत्री बोलूँगा, तुम दोनों में से यानी कि उनके पुत्र और मैं जिसको ये कंठस्थ हो गई वही दीक्षित हुआ। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने 3 बार पितृ गायत्री बोली, हमने 3 बार सुनी। उसके बाद मैंने कहा कि गुरु जी मुझे आज्ञा दो। वो हंस पड़े, बोले तू बहुत शरारती है। मैंने कहा गुरु जी आपकी कृपा है। कहता मुझे पता है तू क्या करेगा मित्र। उस दिन मैं वापसी में बस स्टैंड के लिए जाने के लिए पैदल नहीं गया क्योंकि जूते पहन रखे थे और पितृ गायत्री का नियम था कि जूते चप्पल पहन के नहीं बोल सकते। तो मैंने रिक्शा की, 3 किलोमीटर का सफ़र था और मैं पितृ गायत्री को रटता हुआ जपता हुआ आया तो मैं उसमें दीक्षित पारंगत हो गया। मेरे करे हुए कर्म तो सफल होते हैं, लेकिन जिसने पितृ गायत्री की दीक्षा ही नहीं ली विधिवत, और यदि वो पितृ गायत्री भी करे या वो गायत्री भी करे तो उसका करा हुआ जप भी निष्फल ही है। तो गायत्री और पितृ गायत्री 2 बातें मैंने आपको बताई। गायत्री वो जो पितरों को मुक्ति दिलाए और पितरों के कष्टों से, उनसे प्राप्त होने वाले कष्टों से हमें भी मुक्ति दिलवाए। उसके बाद पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृ गायत्री है। पितृ गायत्री और गायत्री के भेद को समझने के लिए हमें एक बात वो समझनी होगी कि गायत्री में ओम भूर भुवः स्वः ये 3 व्याहृति हैं। भूहु का मतलब भूलोक भुवन लोक, स्वह का मतलब वायुलोक, क्षमा कीजिएगा भूह का मतलब वायुलोक और स्वह का मतलब अंतरिक्ष लोक, ये 3 व्याहृति हैं। इसके बाद तत् से लेकर धियोदयात तक गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं।
इसी प्रकार से 24 गायत्री भी हैं जिनको गुप्त गायत्री कहा गया है। ओम भूर्भुवस्सु वाली जो प्रचोदयात पर ख़त्म होती है और तत् से शुरू होती है, ये ब्रह्म गायत्री है। उसके बाद पितरों के निमित्त ब्रह्म गायत्री भी है। तो जो लोग पितृदोष से मुक्त हैं या पितृदोष अगर था उससे मुक्ति पा चुके हैं और वह पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह पितृगायत्री का जाप करें, और यदि किसी को पितृदोष है तो वो उसके निमित्त गायत्री का जाप करवाएं, सवालाख का करवाएं। यदि किसी का कोई पितृ प्रेत योनि में भटक रहा है और उसका नाम आपको ज्ञात है तो किसी नदी के तट पर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि कर्म कराना चाहिए, इससे उस प्रेत की निश्चित तौर पर मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज पितृदोष के ऊपर मैं एक बात आपको और बताऊंगा। आजकल मैं देखता हूं अमावस्या, जिसको पितरों का दिन हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, बहुत से ब्राह्मण बहुत से और अन्य लोग कहते हैं जी आज अमावस्या पितरों की शांति के लिए हवन करा लीजिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का विधान है, यानी कि अमावस्या का तर्पण करें, गाय को रोटी खिलाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, वो तो उचित है। लेकिन हवन पूर्णिमा को होता है, वह देवों को आहुति देने के लिए होता है, यानी कि जो देवताओं को आहुति देंगे उसके लिए हवन एक कर्म है जो पूर्णिमा को होता है, और पितरों के लिए जो कर्म है वो तर्पण आदि है वो अमावस्या को होता है। तो अमावस्या के दिन हवन नहीं पितृतर्पण होता है, और पूर्णिमा के दिन तर्पण नहीं हवन पूजा पाठ सत्यनारायण कथा आदि ये होते हैं। आजकल आधा अधूरा ज्ञान, आधे अधूरे ज्ञानी और आधे अधूरे जिज्ञासुजन, तो कुल मिलाकर एक ऐसी खिचड़ी का सा कॉकटेल बन गया है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश की। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत अनसुलझे सैकड़ों प्रश्न हजारों प्रश्न हो सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, और एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। यदि किसी मित्र को फिर भी कोई शंका कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो पर कमेंट करके वो अपना प्रश्न जरूर रखे, मैं उसे उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इसी वीडियो पर या लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप चाहें तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे फ़ोन करके भी इस विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री।